सत श्री अकाल स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों माता चरण कौर के IVF ट्रीटमेंट की जानकारी मांग ली गई है। दस दिए कि माता चरण कौर ने 58 साल की उम्र में बच्चे नूं जन्म दिता। हालांकि भारत में IVF ट्रीटमेंट लिए उम्र हद 21 तो 50 साल रखी गई है, जिसके चलते केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने छोटे शुभ की जानकारी मंगी। यह भी दस दिए कि केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्टों का सहारा लिया है, माता चरण कौर के IVF जरिए गर्भवती होने लैके रिपोर्ट मंगी है। मंडी गोबिंदगढ़ विखे एक भट्ठी यूनिट में वापरे हादसे 6 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्होंने इलाज के लिए सिविल हस्पताल मंडी गोबिंदगढ़ में दाखिल कराया गया। दो मजदूरों की नाजुक हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उन्होंने लुधियाना रैफर कर दिया। दो मजदूरों का स्थानीय प्राइवेट हस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हादसे में झुलस गए बंका यादव ने दसिया कि हादसा उस समय वापरे जब भट्ठी में लोहा पिघलाने का काम चल रहा है। अचानक उपरों एक मशीन की चेन टुट के भट्ठी में जा डिगी। इस दौरान पिघलिया हुआ लोहा मजदूरों से डिग गया, जिस कारण 6 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। संगरूर के पिंड गुजरां शराब पीने नाल 4 व्यक्तियों की मौत होने की खबर है। मृतकों की पछाण भोला सिंह, निर्मल सिंह, प्रताप सिंह, जगजीत सिंह वजों हुई है। इन्ह लोगों की मौत होने तो बाद पिंड में सोग की लहर है। इस नाल ही जहरीली शराब पीने नाल 2 होर व्यक्ति बीमार हुए हैं, जो कि सरकारी हस्पताल जेरे इलाज ने बयान देने की स्थिति में नहीं है। पर जब उन्होंने रिश्तेदारों गल की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शक है कि जहरीली शराब पीने कारण ही वह बीमार हुए हैं। मृतक चारों व्यक्ति दलित परिवार से संबंधित ने। फिलहाल पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम लिए सिविल हस्पताल भेज दिया। सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थान खाटू श्याम जी मंदिर च सालाना फागुनी लक्ष्मी मेले च वड्डी गिनती च लोग पहुंच रहे हैं। एकादशी के मौके से मुख मेले च 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मेले च दसवीं वाले दिन श्याम बाबा नूं गुलाब की अतर नाल इशनान करवाया गया, लाल फुलां नाल सजाया गया। देश के वख-वख हिस्सों तो श्रद्धालुओं ने श्याम दरबार में दर्शन किए। श्याम मंदिर कमेटी के एक अधिकारी मुताबिक बाबा श्याम के मुख मेले में वड्डी गिनती च लोगों के आने की उम्मीद है। लखनऊ च धारा 144 लागू कर दी गई है। JCP लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि चोणा होली ते रमजान के मद्देनजर यह हुक्म जारी किए ने। इस नाल ही उन्होंने कहा कि उलंघना करने वाले विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुक्म 17 मई तक लागू रहेगा। लखनऊ पुलिस के हुक्म अनुसार आगामी लोकसभा चोणा 2024 के मद्देनजर सारी राजनीतिक पार्टियां चोणों जुड़े सारे व्यक्तियों द्वारा आदर्श चोन जाबते की पालन यकीनी बनाने 19/3/2024 तो धारा 144 जारी की गई। चोन जाबते की उलंघना करना भारतीय संविधान की धारा 188 से होर संबंधित धारावां अधीन सरेयोग अपराध मनिया जाएगा। लोकसभा चोणां दे पहले पड़ाव की नोटिफिकेशन जारी हो गया। पहले पड़ाव च 21 सूबे के केंद्र शासित प्रदेशों दी 102 सीटा की नामजदगी प्रक्रिया अज तो शुरू हो गई। तो दस दिए कि पहले पड़ाव च 19 अप्रैल वोटिंग होगी। लोकसभा चोणां दे पहले पड़ाव लई 102 सीटा लई नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तरीक 27 मार्च। हालांकि बिहार लई नामजदगी की आखिरी मिति 28 मार्च रखी गई, जदों की नामजदगी वापस लैण की आखिरी तरीक 30 मार्च है। इस तों इलावा बिहार च नामजदगियां वापस लैण लई 2 अप्रैल की तरीक भी तय की गई। बदाऊं च 2 बच्चों की बेरहमी नाल हत्या का मामला सामने आया। जानकारी अनुसार हेयर ड्रेसर जावेद ने छत से खेल रहे बच्चे आयुष से उसके भरा आहान का कतल कर दिया। दोवां की गर्दन चाकू नाल कर दी गई, छाती से पेट में कई वार किए गए। चीखा सुन के लड़के का तीजा भरा पीयूष छत से आ गया तो उसनों भी जख्मी किया गया। जावेद कतल करने बाद मौके तो भज्या नहीं, वो अपने चेहरे से खून नाल लथपथ चीखता रहा। मौके तो उसनों गिरफ्तार कर लिया गया, पर बच्चों की लाशा देख के गुस्से च आई भीड़ सड़क से आ गई। जावेद की दुकान की भनतोड़ की गई। गुआंढ में एक मुसलमान करियाने की दुकान भी अग लगा दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में विवाह के बहाने एक लड़की नाल सरीक संबंध बनाने के दोषी नौजवान हिंदू संगठन के अधिकारियों ने फड़ लिया। नौजवान से विवाह के बहाने हिंदू लड़की नाल सरीक संबंध बनाने के दोष लगे ने। इस तो बाद उसके धर्म परिवर्तन लिए दबाव पाया गया, पर जब पीड़िता ने उसकी गल न सुनी तो मुलजमान ने उसकी बुरी तरह कुटमार की। हिंदू संगठन के अधिकारी ने फैजान अहमद अंसारी फड़ लिया, जिस तो बाद गुस्से च आए अधिकारियों ने फैजान की कुटमार की, उसको गांधीनगर थाने के हवाले किया। पुलिस ने दोषी खिलाफ हिंदू लड़की नाल जबर जनाह कुटमार से धमकी देने की धाराओं तहत मामला दर्ज किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री करार दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के बागी आगुओं को काबू करने नाकाम रहे। सिद्धरमैया ने एक्स एक पोस्ट कहा कि मोदी कमजोर प्रधानमंत्री तो बाद कुछ नहीं है, जो बाकी नेता ईश्वरप्पा विरुद्ध भी कार्रवाई नहीं कर सकते। मोदी अपने आप को 56 इंच की छाती वाला दसते हैं। उन्होंने प्रशंसक उन्होंने विश्व गुरु कहते हैं, पर बार बार अपने आप को कमजोर प्रधानमंत्री वजों दर्शा रहे। किसान अंदोलन 2 नूं 36 दिन बीत चुके हैं। अज 20 मार्च को 27वां दिन है। किसान अंदोलन दौरान हुण तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इन्हां च 3 पुलिस मुलाजम भी शामिल ने। संयुक्त किसान मोर्चा ते किसान मजदूर मोर्चा के सदे ते किसानों वालों पिछले 5 दिनों तो शुभकरण की अस्थि कलश यात्रा कढ़ी जा रही है। 5वें दिन बुधवार को अस्थि कलश यात्रा जमुनानगर के कई पिंडों तो हुंदी हुई कुरुक्षेत्र च प्रवेश करेगी। अंदोलन दौरान नौजवान किसान शुभकरण की 1 फरवरी नूं खनौरी सरहद ते गोली लगन नाल मौत हुई सी। कुरुक्षेत्र तो बाद कलश यात्रा करनाल, कैथल ते फिर अंबाला जिले में 3 दिन चलेगी। श्रोमणी अकाली दल के सूबा प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पहुंची पंजाब बचाओ यात्रा दौरान लोगों को संबोधन करते कहा कि श्रोमणी अकाली दल ही पंजाब की असल पार्टी है।
उन्होंने कहा कि पंजाबियों को होर सियासी तजर्बे नहीं करने चाहिए तो अकाली दल उपर ही भरोसा करना चाहिए ताकि पंजाब को मुड़ तरक्की दी लीहां ते तोरिया जा सके। उन्होंने दोष लाया कि पंजाब में नशा तस्करी गैंगस्टरवाद के अपराधी घटनावां में वड्डे पद्धर से वाधा होया जिसलिए पंजाब सरकार जिम्मेवार। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 10 साल में भगवंत मान ने पिछले 2 साल में पंजाब के भले लिए कुछ नहीं किया जदों की अकाली दल ने पंजाब की तरक्की लिए हर कुर्बानी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति भवन ने बयान च कहा कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने फूड प्रोसैसिंग उद्योग मंत्रालय का वाधू चार्ज सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद उत्पादों और उनके मेडिकल प्रभाव के इश्तहारों से संबंधित हथक की कार्रवाई के मामले में योग गुरु रामदेव के कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण निजी तौर पर अदालत सामने पेश होने लिए कहा। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला की बेंच ने कहा कि रामदेव वालों सह स्थापित हर्बल उत्पादों का कारोबार करने वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद से बालकृष्ण ने पहला जारी किए गए कारण दसो नोटिसों का जवाब नहीं दिया। मुढ़ली नजरे यह अदालत में दिए गए भरोसे की उलंघना। अदालत ने उन्होंने अगली सुनवाई दौरान निजी तौर पर पेश होने लिए कहा। लोकसभा सीट फरीदगढ़ से दिलचस्प मुकाबला देखने मिल सकता है। सीट से आम आदमी पार्टी ने पहला ही मशहूर अदाकार ते गायक करमजीत अनमोल नूं मैदान में उतार दिया। दूजे पासे भाजपा ने फरीदकोट लोकसभा हलके तो हंसराज हंस नूं उम्मीदवार ऐलान की तैयारी शुरू की है। जे हंसराज हंस फरीदकोट तो चोण लड़ते हैं तो इतने मुकाबला सब तो दिलचस्प होगा क्योंकि मुहम्मद सदीक ने भी कांग्रेस हाईकमान को फरीदकोट लोकसभा हलके तो चोण लड़न की इच्छा जाहिर की है। वह फरीदकोट तो कांग्रेस पार्टी के मौजूदा एमपी भी ने। हिमाचल प्रदेश के अलर्ट दौरान सूबे दी उच्चियां चोटियां ते हल्की बर्फबारी हुई है। शिमला समेत कई इलाकों शाम वेले मीह पिया। मौसम विभाग मुताबिक सूबे के सारे हिस्सों च मौसम पूरी तरह साफ ते खुश्क रहेगा पर 21 तो 23 मार्च तक गरज चमक नाल मीह पेगा। कई थावां ते बर्फबारी की संभावना। इसका प्रभाव 24 मार्च को भी रहेगा। सूबे 25 मार्च तो मौसम साफ रहेगा। यह भी दस दिए कि पिछले 24 घंटे दौरान सूबे 7 सड़कों ते 14 बिजली ट्रांसफार्मर की मुरम्मत करके लोगों को राहत प्रदान की। फिलहाल स्पीड न्यूज़ बस इन्ना ही। मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।